प्रोफेसर कलिंग में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो कि दे आर नॉकिंग द डोर ऑफ मानोलो इन द इंडियन टीम। ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इस बार बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग खेल खेले हैं, अभी जो भी दो वीक के लिए मैचेस हुए हैं, और इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ रही है। स्पेसिफिकली मैं यू नो टॉप फाइव प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा जो कि यंग प्लेयर हैं एंड दे आर रेडी टू टेक इट ऑन इन द इंडियन नेशनल टीम। आपको क्या लग रहा है कि आपका क्या ओपिनियन है, और कौन सा प्लेयर मैंने छोड़ दिया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पांचवें नंबर पर रहेंगे जितिन एमएस। जितिन एमएस की परफॉर्मेंस हर दिन हर मैच उसको दावेदार बना रहा है टू द विंगर लिस्ट ऑफ इंडियन नेशनल टीम। जितिन एमएस की डूरन कप का देखो भाई गोल्डन बूट जीतना, और उनकी मैच देखिए आगे जाके जो भी आप देखोगे जितने भी जितने एमएस आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। इवन पार्थिव गोगोई को भी कभी कभी शैडो कर रहे हैं जितने एमएस। एज में थोड़ा ज्यादा है आई अंडरस्टैंड इट, बट ही इज नॉकिंग द डोर एवरी डे ऑफ द मानोलोस नेशनल टीम। डू यू थिंक ही शुड बी सिलेक्टेड इन द नेक्स्ट फ्रेंडली, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फोर्थ में है नामते। नामते मुझे नहीं लगा था कि भाई अच्छा तो प्लेयर है, मुझे पसंद है इन जब मोहन बागान में थे, बट मुझे नहीं लगा था कि चेन्नई के इतनी स्टार्टअप मिडफील्ड में उनको चांस मिलेगा। आपको पता है ना चेन्नई में कितने मिडफील्डर हैं भाई, बहुत ही टॉप टैलेंटेड एस्टेब्लिश्ड मिडफील्डर हैं, फिर भी नामते वहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। और उड़ीसा के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस क्लास अपार्ट था। क्या नामते ये सीजन एक स्टेटमेंट परफॉर्मेंस देने वाले हैं और मिडफील्ड को और बेटर कर रहे हैं फॉर द नेशनल टीम, बिकॉज ये अच्छा करेंगे तो नेशनल टीम की जो पुल है मिडफील्ड की वो बड़े हो जाएगी, और थापा जो नो सुरेश हमारे जिक्सन के ऊपर प्रेशर आएगा टू परफॉर्म, नहीं तो ये लोग जाके बैठ जाएंगे। सूर्यवंशी ऑलरेडी इन द पुटिंग द प्रेशर, अदर प्लेयर ऑल्सो विल गेट एंड ज्वाइन देम। मैंने तीन नंबर पे रहेंगे, ये दो तीन प्लेयर की कॉम्बिनेशन है, बट मैं इसलिए तीन नंबर पे इतने लोगों को रखा हूँ क्योंकि तीनों ही पोटेंशियल कैंडिडेट है टू नॉक द डोर। पहले है अभिषेक। अभिषेक जो पंजाब एफसी के प्लेयर है वो बहुत ही खतरनाक लेफ्ट बैक है भाई। एक तो लेफ्ट बैक खेल सकते हैं, लेफ्ट विंग बैक खेल सकते हैं, और लेफ्ट विंग भी खेल सकते हैं भाई। ओडिशा एफसी के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस खतरनाक है, उन्होंने रॉय कृष्णा को रोक लिया भाई। और केरला ब्लास्टर के परफॉर्मेंस देखिए उसका, बहुत ही बढ़िया है, और वो अटैकिंग में भी हेल्प करता है, बैलेंस रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ओवरशैडो करता है। ही इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट इन द लेफ्ट बैक। फिर लुंडिंग का नाम थोड़ा डिफिकल्ट है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ही इज अ राइट बैक ऑफ पंजाब एफसी। उसने भाई नोआ को रोक लिया, इसाक को रोक लिया भाई दो मैच में, मतलब इतना खतरनाक बंदा परफॉर्म कर रहा है। ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। मैं तो देख रहा हूं कि ये आगे जाके राइट बैक का भी एक नॉकिंग द डोर, बिकॉज राइट बैक में हमारे निखिल पुजारी से मैं तंग आ चुका हूं। एंड द वन हु एवरीवन टॉक अबाउट निहाल। निहाल की वो जो गोल था ना, द वर्क रेट, द मूवमेंट, द स्पिरिट, एवरीथिंग वाज क्लास अपार्ट। बंदा प्रॉपर विंगर है, प्रॉपर जो यूरोपियन विंगर देखते हो ना, मतलब टेक इट ऑन वन ऑन वन में, वो बंदा है निहाल। आई लव दिस गाय, ही कैन नॉक द डोर इन दिस सीजन, जब इफ ये सीजन ये कंटिन्यू ऐसे परफॉर्म करता रहा तो। सेकेंड में रहेंगे नौफुल। नौफुल की परफॉर्मेंस में मैं कोई सरप्राइज नहीं हूँ, बाकी आईएसएल के न्यू व्यूअर्स आर सरप्राइज, मैं नहीं हूँ क्योंकि मुझे आई लीग में देखा हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस वो बंदा देता है। ही वॉज रेडी लास्ट सीजन, बट मिला इस सीजन उसको ऑफर। ओडिशा एफसी कुड हैव गेट इट, मैंने बहुत वीडियो बनाया है, बट नो वन लिसन टू मी। नाउ मुंबई सिटी इज इन बेनिफिट। नौफुल कुछ मिनट के लिए भी खेले हैं, जितना मिनट खेले हैं उन्होंने सबको सरप्राइज एंड मोहित किया है, एंड आई एम श्योर नौफुल का ये सीजन ओडिशा एफसी में बहुत ही ज्यादा बेटर हो सकता है। अब बात करते हैं बिनित। बिनित के बारे में, ये मेरे नंबर वन है, बीएफसी के यूथ से आए हैं, खतरनाक प्लेयर हैं। उनकी दो मैच देखे, पहला मैच में तो गोल मारा था डेब्यू में, सेकंड मैच भी आप देखोगे ड्रिबलिंग वगैरह वो बहुत खतरनाक है। वो तो भाई अभी बहुत बड़े बड़े प्लेयर को बेंच करने वाले हैं, ट्रस्ट मी, ही इज द गाय हु इज गोना बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन फुटबॉल। आपको क्या लग रहा है, टॉप फाइव को छोड़ के और कोई प्लेयर है जिसको ये सेक्शन में डाल सकते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दिस फॉर टुडे, जय हिंद।